जहां देश पुलवामा में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, वहीं कोयलांचल धनबाद में रोटी बैंक यूथ क्लब के बैनर तले रोटी डे का आयोजन कर भूखे के पेट भरने का काम कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रोटी बैंक के बैनर तले कई समाज सेवी महिला युवाओं ने कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर महिलाओं ने बताया कि वह अपने हाथों से 2500 रोटी बनाकर जरूरतमंदों के बीच वितरित करेंगे। मालूम हो कि रोटी बैंक यूथ क्लब विगत कुछ वर्षों से एक परिवार की तरह जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर दो वक्त का भोजन मुहैया करा रहे हैं, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए पुलवामा में शहीद हुए हमारे देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे धनबाद में रोटी डे के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत रोटी बैंक के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर हर जरूरतमंदों के बीच में 2500 रोटी और सब्जी का वितरण कर रही है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग एक छोटा सा रैली निकाल रहे हैं और हम लोग जितने भी सदस्य हैं अपने हाथों से रोटी बना करके सबको खाना खिलाएंगे और हम लोगों का एक ही सपना है कि रोटी बैंक का कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और रोटी बैंक का एक ही सपना कोई भूखा सोए ना। धनबाद में कहाँ कहाँ आप वितरण करिएगा रोटी? हम लोग अभी यहाँ से रणधीर वर्मा चौक से लेके सिटी सेंटर तक जाएंगे रैली छोटा सा करेंगे और हम लोग बहुत जगह में ही खाना बांटते हैं, जैसे स्टेशन परिसर में बांटते हैं, वृद्धाश्रम में बांटते हैं, मंदिर में बांटते हैं, बहुत जगह में ही बांटते हैं। पूरा परिचय बता दी। मेरा अपना नाम है रोटी बैंक। 14 फरवरी के दिन रोटी बैंक यूथ क्लब, एक सामाजिक संस्था जो वर्षों से धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में लगातार सामाजिक कामों से और अपने एक अलग पहचान बनाने का काम किया है, जो भूखे एवं गरीब लोगों को खाना पहुंचाने का काम करता है और ये एक अनोखा काम है जो शायद जो है कोई संस्था इसके बारे में सोचता भी है। रोटी बैंक यूथ क्लब वर्षों से गरीब एवं लाचार बेबस लोगों के बीच, चाहे वो स्टेशन परिसर हो, चाहे वो स्टेशन रोड हो, चाहे हीरापुर के क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी हो, एक एक व्यक्ति तक खाना पहुंचाने का काम करता है और ये इनका मैसेज है कि आप जो है बर्तनों में खाना बर्बाद ना करें और अगर बर्बाद हो तो हमें कॉल करें। और इनका इनकी जो टीम है बहुत ही मजबूत टीम है, क्योंकि रात के 11, 11:30, 12 बजे तक भी काम करती है। इन लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ खाना नहीं पहुंचा है और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह का मुहिम इन लोग चला रहे हैं वाकई काबिले तारीफ है और आज इस मौके पर ये 2500 रोटी का वितरण करेंगे। 2500 रोटी का वितरण अपने आप में बड़ा कार्यक्रम है और शहीदों को सम्मान देने का भी काम कर रहे हैं। और रोटी बैंक यूथ क्लब के सभी नवयुवकों को और सभी महिला साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।